बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एक्सरसाइज 5.6 राइट द फॉलोइंग एज फ्रैक्शन नंबर बी है डेसिमल भाई आपने 4% 28% को आपने फ्रैक्शन में और भाई डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहिए जी ये हमारे पास 6 पार्ट्स हैं इनको आपने सॉल्व करना चाहिए जी फर्स्ट पार्ट है इन फ्रैक्शन फॉर्म 4% इज 4/100 इसको सिंपल 1/25 ये आपकी फ्रैक्शन फॉर्म में आ गया अब 4% है 4/100 तो सिंपलीफाई करेंगे 0.04 आएगा 0.0 ये डेसिमल फॉर्म आ गया ये कौन सी फॉर्म आ गई डेसिमल फॉर्म जी सेकंड पार्ट है इन फ्रैक्शन फॉर्म 28% 28/100 सिंपलीफाई करेंगे 7/25 ये फ्रैक्शन फॉर्म में आ गया अब 28% है 28/100 तो क्या होगा 0.28 ये फ्रैक्शन डेसिमल फॉर्म में आ गई भाई ये इशारिया में आ गई और ये बटे में आ गई नाउ थर्ड पार्ट वी हैव 11% 11/100 आ गए ये फ्रैक्शन फॉर्म आ गई और इन डेसिमल 11/100 करेंगे 0.11 आ गए इन डेसिमल फॉर्म भाई किस फॉर्म में आ गए जी डेसिमल फॉर्म में आ गई जी भाई फोर्थ पार्ट वी हैव 84% 84/100 सिंपलीफाई कर 21/25 ये हमारा फ्रैक्शन फॉर्म में आ गई अब 84% 84/100 तो 0.84 आ गया जी ये डेसिमल फॉर्म में आ गई जी भाई जी किसमें आ गई जी डेसिमल फॉर्म में जी फिफ्थ पार्ट वी हैव 300% तो 300/100 किया तो 3/1 आंसर आ गया इन फ्रैक्शन फॉर्म और 300% तो 300/100 तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 आएगा आंसर ये फ्रैक्शन फॉर्म में आ गए जी नेक्स्ट वी हैव 99% तो 99/100 ये फ्रैक्शन फॉर्म में आ गए जी और 99/100 करेंगे तो 0.99 ये डेसिमल फॉर्म में आ गए जी ये भाई किस में आ गए जी डेसिमल फॉर्म में जी तो हमने एक क्वेश्चन को भैया फ्रैक्शन फॉर्म में भी कन्वर्ट कर दिया और डेसिमल फॉर्म में भी कन्वर्ट कर दिया जी क्वेश्चन नंबर 2 है चेंज द फॉलोइंग इनटू परसेंटेज अब ये फ्रैक्शन में है आपने इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहिए भाई चेंज द फॉलोइंग इनटू परसेंटेज क्वेश्चन नंबर 2 जी हमारे पास है 3/5 इसको हमने 100 से मल्टीप्लाई 100 ऊपर आ गया 300 नीचे 5/100 इसको सिंपलीफाई किया तो आ गया 60/100 तो ये 60% हो गया थे भाई किसमें कन्वर्ट हो गया थी 60% भाई ये नीचे वाला जो 100 है वो परसेंटेज को शो करेगा भाई ये 60/100 शो करेगा 1/100 शो करेगा परसेंटेज को तो 60% नेक्स्ट सेकंड पार्ट वी हैव भाई 9/10 तो 9/10 इंटू 100/100 ऊपर वाले को सिंप्लीफाई किया तो 90/100 आ गए थे तो 90% आ गए थे भाई कितने परसेंट आ गए थे 90% जी तीसरा पार्ट 1/17/20 तो ये आ गया 37/20 भाई 100/100 से मल्टीप्लाई किया इसको सिंप्लीफाई किया 185/100 तो 185% भाई किसमें कन्वर्ट हो गया 185% फोर्थ पार्ट वी हैव 1/6/25 सिंप्लीफाई करेंगे 31/25 भाई 100 से मल्टीप्लाई 100 से डिवाइड ऊपर वाले 100 को मिलाकर सिंप्लीफाई करें तो आ गया 1/4/100 तो 1/4% आ गए भाई जो बटे में 100 होगा वो परसेंटेज को शो करेगा तो 1/4% आ गए जी नेक्स्ट पार्ट वी हैव 29/50 100 से मल्टीप्लाई 100 से डिवाइड ये 100 छोड़ दें बाकी सिंप्लीफाई किया तो 58/100 तो 58% आ गए भाई किसमें आ गए 58% नाउ 108/100 तो 108% 108% ये बिल्कुल रेडी था तो ये एज इट इज हमने 108% लिख दिया जी नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 3 कन्वर्ट इनटू परसेंटेज अब ये डेसिमल में है इसको भाई किसमें कन्वर्ट करना जी आपने परसेंटेज में भाई डेसिमल में है आपने इसको किसमें कन्वर्ट करना जी परसेंटेज में कन्वर्ट इनटू परसेंटेज जी हमारे पास है 0.78 डेसिमल में इसको 78/100 तो ये 78% बन गया
0.25 over 100, तो 25% बन गया जी। देखिए डेसिमल में है तो 25% जी। नेक्स्ट वी हैव 0.07, तो 0.07 over 100, तो बगैर 7%। 0.05 इसको बगैर 100 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा जी, 5%। भजन क्या होगा जी, 5%। भजन क्या होगा जी, 5% जी। नेक्स्ट हमारे पास है जी 2.5, तो 26 over 10, 100 से मल्टीप्लाई 100 से डिवाइड, ऊपर वाले 100 को सिंप्लीफाई किया जी, तो 260 over 100 बच करें, तो ये 260% आ गया जी, बाय 260%। नो सिक्स पार्ट वी हैव 3.2, तो 32 over 10, आपने 100 से मल्टीप्लाई 100 से डिवाइड, ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर सिंप्लीफाई किया तो आ गया 320%। भाई ये डेसिमल में था, आपने उसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया जी, भाई डेसिमल में था आपने उसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया जी। जी क्वेश्चन नंबर 4, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू इट्स लोएस्ट फॉर्म। भाई इसको फ्रैक्शन में लिखना इन लोएस्ट फॉर्म जी। भजन राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज फ्रैक्शन, एज फ्रैक्शन में लिखना, बटे में लिखना है रिड्यूस टू दी लोएस्ट फॉर्म, भाई उसकी आखिरी जो है ना सिंप्लीफाई, जो लास्ट सिंप्लीफाई फॉर्म है वो लिखना आपने। क्वेश्चन नंबर 4 जी हमारे पास है 9 into 2 by 3%, ये सिंप्लीफाई करेंगे 9 को 3 के साथ कर दें, 27 जमा 2 करेंगे तो भाई 29 over 3%। इसको भाई आपने 100 से डिवाइड कर दिए तो परसेंट खत्म हो गई जी। इसको सिंप्लीफाई किया तो वी गेट 29 over 300, भाई ये आपकी फ्रैक्शन में आ गई जी। अब 34%, 34 over 100, तो 17 over 50 आ गया जी। दी थर्ड पार्ट वी हैव 220%, तो 220 over 100, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो 11 over 5, ये लोएस्ट फॉर्म में आ गया जी। जी नेक्स्ट वी हैव 3 and 1/4%, भाई सिंप्लीफाई करेंगे 13/4%, तो भाई जान इसको 13/4 into 100 करेंगे तो भाई 13/400 आ गया जी, भाई 13/400 आंसर आ गया जी। जी आगे पांचवा पार्ट है 13.4%, भाई 13.4 over 100, इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो आप क्या आएगा 67 over 500, भाई 67 over 500, भजन 67 over 500 जी। तो आएगा 0.02%, तो 0.02 over 100, ठीक है जी, परसेंटेज हो गया जी, ये परसेंटेज खत्म हो गई, तो ये हमारे पास है 0.02 over, तो इसको आपने 100 से डिवाइड किया था, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 over 500 आएगा जी, 5000 आएगा जी, 1 over 500, तो ये हमारे पास आगे फ्रैक्शन फॉर्म में जी। जी ये हमारे पास क्या जी 0.02, आप इसको 0.02 जी 0.02 over 100 कर दें परसेंट, भाई इशारियों को खत्म किया तो बटा 100 आ गया, अगर परसेंटेज को खत्म करना तो बटा 100 डाल देंगे जी। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो भैया 1 over 5000 जी, ये हमारे पास फ्रैक्शन में आ गए जी। जी क्वेश्चन नंबर 5 वी हैव एक्सप्रेस 30 सेंट्स एज ए परसेंटेज ऑफ $8, वी एक्सप्रेस 30 सेंट एज ए परसेंटेज ऑफ $8, वेयर $1 इज इक्वल टू 100 सेंट्स के बराबर थे। एक्सप्रेस 45 मीटर एज ए परसेंटेज ऑफ 1 किलोमीटर, एक्सप्रेस 1 kg एज ए परसेंटेज ऑफ 800 ग्राम। जी तो भाई जन आपके ये 3 पार्ट्स हैं पांचवें के, और हमने हल करने हैं जी। जी देखें पहला हमारा था एक्सप्रेस 30 सेंट्स एज परसेंटेज ऑफ $8, तो देखें वी नो दैट $1 किसका 30 सेंट्स 100 सेंट्स, $8 क्या होगा जी 800 सेंट्स जी, वी नो $1 बराबर है 100 सेंट्स और $8 क्या होगा 800 सेंट्स। अब 30 सेंट्स over $8, तो 30 over 800 सेंट्स आ गए, तो आपने इसको जरा थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, 30 over 8 लदा कर दें, इंटू 100 लदा कर दें,
तो सिंप्लीफाई करेंगे तो 3.75 ओवर 100, ओवर 100 आपको पता है 3.75% हो जाएगा भाई, 3.75%, तो ये 3.75%। सेकेंड पार्ट वी हैव 1 किलोमीटर, वी नो 100 मीटर के बराबर, तो भैया 40 मीटर ओवर 1 किलोमीटर, तो ये 45 ओवर हमारे पास आएगा जी 1000 मीटर जी, भाई 1 किलोमीटर बराबर था 1000 मीटर के जी, भाई 1 किलोमीटर के जहाँ पे यू कैन पुट, इसको आपने 45 ओवर 10 इंटू भाई आपने 1000 का 10 इंटू 100 कर दिया, भाई इसको सिंपली 4.5 ओवर 100, तो ये क्या होगा 4.5% जी। थर्ड पार्ट वी हैव 1 kg बराबर है 100 ग्राम, भाई 1 kg ग्राम बराबर है 100 ग्राम, तो 1 kg ओवर 800 ग्राम जी, तो आप जब देखेगा ये 100 ग्राम ओवर 800 ग्राम, तो आप ऊपर वाले को तोड़े और नीचे वाले को तोड़े जी, ऊपर वाले को सिंपलीफाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 1 to 5 ओवर, नीचे 100 बचना चाहिए जी, तो ये 1 to 5% आएगा जी, भाई क्या आएगा 1 to 5% भाई 1 to 5% है जी।